नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों हम खड़े हैं चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौक में। चंडीगढ़ का ट्रिब्यून चौक शायद चंडीगढ़ के सबसे व्यस्त, सबसे ज्यादा रश वाले चौक में से आता है। यहां देख रहे हैं आपकी कितनी ट्रैफिक है पीछे। एक बार अगर हमने लाइट क्रॉस करनी है तो कम से कम 3 से 4 बार जो होता है वो लाइट आती है, तो उसके बाद हम इस चौक को क्रॉस कर पाते हैं, क्योंकि ये चंडीगढ़ का एक तरह से एंट्री पॉइंट है। हालांकि यहां से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले जीरकपुर से आते हुए चंडीगढ़ में हम लोग एंटर कर जाते हैं, लेकिन सही मायने में अगर शहर में एंटर होना है तो ये पहला चौक आता है। पिछले कुछ समय पहले इस बढ़ती हुई जो ये यातायात है, बढ़ते हुए रश को देखकर, बढ़ते हुए वाहनों को देखकर चंडीगढ़ प्रशासन ने यह फैसला किया था कि जीरकपुर से लेकर चंडीगढ़ तक एक खास करके ट्रिब्यून चौक तक एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। ये फ्लाईओवर का जो काम था उस समय कटाई में पड़ गया जब एक रन क्लब नामक संस्था ने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि फ्लाईओवर बनाने से जो पेड़ कटेंगे उसका जो नुकसान होगा वो कौन देखेगा, इसलिए हाई कोर्ट ने इस फ्लाईओवर पर रोक लगा दी थी। हालांकि रन क्लब द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि जो चंडीगढ़ का मास्टर प्लान था उस मास्टर प्लान में कहीं भी फ्लाईओवर की बात नहीं है। ये सब कुछ अपनी सुविधा के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बाद में जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार बनाया गया है। चंडीगढ़ के लोगों के लिए अब एक खुशी की बात है कि फ्लाईओवर को हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अब ट्रिब्यून चौक से लेकर जीरकपुर तक एक फ्लाईओवर बनेगा, जिसको लेकर कम से कम ये कह सकते हैं कि जो लोग हर रोज जीरकपुर से चंडीगढ़ आना जाना जिनका होता है उनके लिए कुछ सुविधा हो जाएगी, कुछ रश कम हो सकता है। हाई कोर्ट ने जहां एक और फ्लाईओवर बनने को मंजूरी तो दे दी है, अब देखना यह है कि इसके टेंडर कितनी जल्दी होते हैं, कितना समय लगता है इसको इंप्लीमेंट होने में, कितना समय लगता है इसको बनने में, और जब वो बनेगा उस बनने के दौरान जो दिक्कतें आएंगी ट्रैफिक में, जो दिक्कतें आएंगी लोगों को आने जाने में, उसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन क्या प्लान करता है, खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन अशोक चंदन के साथ राजेंद्र दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी।